हेलो, कैसे हो बच्चों? आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, इसे समझने की जरूरत है। कुछ जनरल जो हमारी आसपास इवेंट होती है, कुछ ऐसी इवेंट्स जिससे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन जैसे नाम ही है कि ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। डेफिनेशन इसके नाम में ही है, बस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, सिंपल। तो ऑक्सीजन अगर कहीं पे ऐड हो जाए तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है। आप आए दिन देखते ही रहते हैं कि बड़े सारे सिचुएशंस आपके साथ होती है। आपके घर में अगर आलू की चिप्स बन जाए और आप उसे इकट्ठा करके रख दें किसी पॉलीथीन में या कहीं ऐसे जगह पे, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसका टेस्ट खराब होना शुरू हो जाएगा, और 1 हफ्ता 10 दिन के बाद वो खाने लायक नहीं रहता, उसमें अजीब तरह की स्मेल आती है, ठीक है ना। वो खाने लायक नहीं रहेगा। ऐसे ही कोई पकवान बनता है आपके घर में और वो पकवान थोड़े दिन के लिए रख दिया जाए तो 2 3 4 दिन के बाद वो खाने लायक नहीं रहता। इन सब पदार्थ में, या फ्रूट्स है या वेजिटेबल है, या आप सुबह चावल बनाए शाम को आप कहते हैं कि खाने लायक नहीं रहता, उसमें से स्मेल आने लगती है। या 2 दिन के बाद लड्डू आप बनाते हैं, लड्डू बनाने के बाद भी अगर 1 2 दिन के लिए छोड़ दें, 4 दिन के लिए छोड़ दें, उसके बाद बाहर तो खाने लायक नहीं रहता। मिठाइयाँ अक्सर बंगाली स्वीट्स जो होते हैं उसमें लिखा रहता है कि कंज्यूम विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे तक उसकी टेस्ट अच्छी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे उसका टेस्ट खराब होने लगता है। और जैसे जैसे उसका टेस्ट खराब होगा, हो सकता है कि आने वाले समय में उसको खाने से आपको एसिडिटी हो जाए, खाने से आपको स्टोमक इन्फेक्शन हो जाए। इन सब सब्सटेंस में क्या होता है कि इन सब सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ऐड होने से उसके कंपाउंड्स बन जाते हैं और धीरे धीरे उसमें स्मेल आने लग जाती है, वो सड़ने लग जाता है। इनफैक्ट रफ लैंग्वेज में समझे तो कहें कि सड़ जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो सड़ जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, और ये ऐसी कोई चीज है, इसमें भी ऑक्सीडेशन होती है तो ये भी सड़ जाता है, तो क्या कोई निर्जीव वस्तु भी सड़ सकती है? ये सब निर्जीव ही है। अगर फ्रूट को आपने तोड़ दिया है तो वो अब उसमें लाइफ तो रही नहीं, लगभग लाइफ खत्म हो गई है। आपने वेफर्स बना लिए आलू के, पोटैटो वेफर्स, तो वो कोई लाइफ उसमें तो है नहीं, बट उसका टेस्ट धीरे धीरे खराब हो जाता है, बिकॉज की ऑयल जो उसमें प्रेजेंट है वो ऑयल एक तरह का केमिकल है, और केमिकल जो उसमें प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक दूसरा कंपाउंड बना देता है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होती है। यही तो केमिकल रिएक्शन है ना, यही तो केमिकल रिएक्शन है कि जहां पे रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीजन के साथ जो सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं तो अलग तरह के कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह से आयरन एक है, आयरन को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और उस पे एक रेड ऑक्साइड जो है वो बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड, और वो जो ऑक्साइड जो है भूरा रंग का, ब्राउन कलर का, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, इसको कोरोजन कहते हैं, और इसकी वजह से धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। इसको कहते हैं प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। इसके अलावा आप घर में देखे होंगे कि जैसे कॉपर का, आपके यहाँ कोई बर्तन है, कोई पॉट है कॉपर का, तो आप देखेंगे कि वो बाहर रखा हुआ है तो काफी दिन बाद उसमें ऊपर ग्रीनिश कलर का एक लेयर जम जाता है। ये भी एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद एक कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और वो उसका कोरोजन होता है एक तरह से। आप अपने घर में देखे होंगे, बेसिकली जो लड़कियां हैं उनकी माता और लड़कों की माता, या लड़कियां खुद भी, उनके पायल होते हैं, पायल जो पैर में पहनते हैं, ये सिल्वर का होता है,
और इसमें भी थोड़े दिन बाद क्या होता है कि उस पे एक लेयर जम जाती है और काला हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। वो भी उसका भी ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है और उसको फिर से हमें साफ करना पड़ता है, एसिड वगैरह में नींबू वगैरह से रख के उसको साफ किया जाता है। ऐसे ही कॉपर के बर्तन को भी नींबू से, लेमन से, यानी साइट्रिक एसिड से या किसी और एसिड से उसे साफ करके हटाया जाता है, फिर वो चमकने लगता है। इन सब पदार्थों में ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन हुआ क्या कि ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, यानी ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो ऑक्सीजन का जिस सब्सटेंस में एडिशन होता है उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो पहले ये बात सीख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल लेते हैं कि ऑक्सीडेशन के एग्जांपल लेते हैं। तो हम सीख रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है ऑक्सीडेशन। और इसी के साथ एक और टॉपिक है, उसको हम कहेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये पूरा टॉपिक का नाम है। इसलिए इसको शॉर्ट में आजकल ब्रदर को भी लोग ब्रो कहने लगा है ना, तो ब्रदर को भी लोग ब्रो कहने लगा है शॉर्ट में। उसी तरह से इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX मिला करके इस टॉपिक को कहते हैं रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर देयर। आप ये दोनों क्या एक साथ होते हैं, पहले ही समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडॉक्स, समझ में आ रही बात। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज सिंपली क्या मतलब हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। डेफिनेशन बाद में देंगे, अभी ये डेफिनेशन नहीं, अभी हमने ये कहा कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। पिछली क्लास में हमने बात किया था कुछ एग्जांपल्स का, जैसे Mg+O2, ये क्या बनता था, MgO, है ना। ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें, इस मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम में क्या हुआ, ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ और बन गया एक नया सब्सटेंस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बैलेंस हमने कल ही बताया था पिछली क्लास में कि इक्वेशन को बैलेंस लिखते हैं, देखिए इसमें दो ऑक्सीजन है, इसमें एक है, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर अब मैग्नीशियम दो हो गया, तो इधर भी मैग्नीशियम दो हो जाने चाहिए। इसमें क्या हुआ, इन दिस एग्जाम्पल व्हाट इज हैपन, इन दिस एग्जाम्पल मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, मैग्नीशियम का। हेयर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, कह सकते हैं मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, इसमें एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, तो मैग्नीशियम इज, कह सकते हैं कि मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज हेयर, ऑक्सीडाइज हेयर, ठीक है, मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह का। अब मान लीजिए कि सोडियम ले लिया हमने, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, अभी क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ऐसा। यहां पर भी दो है ऑक्सीजन, बैलेंस लिखने के लिए हमने कहा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, दो से, है ना, थोड़ा साफ साफ लिख दूं, यह है सोडियम ऑक्साइड, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन दो हो गए, ऑक्सीजन इधर दो है, अब इधर सोडियम कितने हो गए, फोर, तो इधर फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर भी सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, और ये क्या हो गया, सोडियम में ऑक्सीजन ऐड होने से बन गया सोडियम ऑक्साइड। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ बताइए, सोडियम का, सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसलिए हमने कहा कि ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। कई बार अब इसका एक उल्टा डेफिनेशन भी लोग बना देते हैं कि अब सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो अगर एडिशन हो ऑक्सीजन का तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन।
ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, उल्टा काम है, दोनों एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है ये, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसको हम कहेंगे क्या, रिडक्शन, इसकी बाद में बात करेंगे, बट अभी रेफरेंस के लिए बता दिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूस रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाना, रिड्यूस हो जाना मतलब कम हो जाना, तो कम कैसे होगा, जब उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है और ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है। ठीक है, समझ आ रही बात। अच्छा, इसी डेफिनेशन को कुछ और भी कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा, कुछ ऐसा भी रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा लेकिन हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन सब्सटेंस में से रिमूव हो रहा है, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसका मतलब दो बातें हो गई कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल, है ना। तो ऑक्सीजन या तो ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, तो दोनों ही स्थिति में हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आइए थोड़ा और देखते हैं कि कैसे होता है, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो कैसे होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इथेनॉल है, इथेनॉल CH3CH2OH, इसको कहते हैं इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल कहते हैं इसको, या इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है OH, और इसके आधार पे इसका नाम होता है। आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसको, IUPAC नेमिंग और बाकी चीजें। अभी फिलहाल के लिए एक एग्जांपल देते हैं, इसको कहते हैं इथेनॉल। अगर इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाए कॉपर के प्रेजेंस में, कॉपर एज ए कैटलिस्ट, तो क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है CH3CHO, ये बन जाता है इथेनॉल, इथेनॉल AL, OL से बढ़ के AL हो जाता है, और इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो इसमें क्या है कि इस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। जैसा कि हमने कहा कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो गया है और दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, इनफैक्ट एक और एक दो, ठीक है ना। तो ये CH3CHO और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिमूव हो गई है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यहां भी क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। हालांकि ये अभी थोड़ा सा ज्यादा जानकारी है, यही टॉपिक सेम 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़ाते हैं 11th क्लास में, और 11th क्लास में भी रिडॉक्स पूरा एक टॉपिक ही है, पूरा चैप्टर ही है रिडॉक्स, आपको थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है। तो दूसरा डेफिनेशन आप ना भी याद रखें तब भी चलेगा, ठीक है ना, सिर्फ पहला ही याद रखें तब भी चलेगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन एक याद करेंगे तो एक अपने आप याद हो ही जाएगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा। एक और डेफिनेशन है जो आप 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी जानकारी दे देने में कोई बुराई नहीं है, ये कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो भी हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है, कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लूज कर रहा है ऑक्सी इलेक्ट्रॉन्स तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी एक डेफिनेशन होता है। तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, कि जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि जिंक है, और जिंक में से दो इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, Zn++, यानी दो इलेक्ट्रॉन लूज किया प्लस टू इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसका क्या हो गया, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है।
तो अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो भी उसका ऑक्सीडेशन होगा। यहां पे हम लिख देते हैं कि इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो डेफिनेशन क्या क्या बना कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या इलेक्ट्रॉन लूज करे तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। आइए इसको एक एक्टिविटी के जरिए समझते हैं कि क्या हो सकता है। ये एक एक्टिविटी है, एक चाइना डिश है, और इसमें कॉपर के पाउडर रखे हुए हैं, कॉपर पाउडर रखा हुआ है। ये कॉपर के पाउडर है, कॉपर कैसा होता है, ब्राउनिश कलर का होता है ना। और इस ब्राउन कलर के कॉपर के पाउडर में उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड है ये, और इस पे ये वायर गुज होता है, जाली जिसको कहते हैं, और इस ये बर्नर है, स्प्रिट लैम्प, इसे गर्म किया जा रहा है। तो गर्म किया जा रहा है तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये कॉपर के जो पाउडर है इसमें क्या है, कॉपर के पाउडर, तो ये कॉपर के पाउडर में ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से है वो रिएक्ट होकर के ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो जो ब्राउन कलर का है वो ब्लैक कलर का धीरे धीरे हो जाएगा, इस पे एक लेयर बन जाएगा, वो हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, इसको कहेंगे कॉपर ऑक्साइड। ये आप एक्सपेरिमेंट लैब में कर सकते हैं, ये है कॉपर, कॉपर कॉपर, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन, इस कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, और एडिशन होने से जो ये रिएक्शन बना ये कहलाएगा कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड में एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, इसलिए इसका हो गया क्या, इसका ऑक्सीडेशन। अब डेफिनेशन के हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ये ब्लैक कलर का धीरे धीरे हो जाएगा क्योंकि उस पे कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाएगी। इसके विपरीत अगर ऑक्सीजन का एडिशन ही अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होगा, तो ऑफकोर्स ये रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन का भी डेफिनेशन एक के साथ एक फ्री आप सीख गए। क्या सीख गए, जो जो काम इसमें पॉजिटिव हो रहा है वही काम दूसरे के लिए निगेटिव है। जैसे ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होगा, रिडक्शन। हाइड्रोजन का रिमूवल जो है वो ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन का एडिशन जो होगा वो क्या होगा, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लूज करने को अगर ऑक्सीडेशन कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने को रिडक्शन कहेंगे। तो एक के साथ एक फ्री हो गया। हालांकि एनसीईआरटी के लेवल पे सिर्फ पहला डेफिनेशन आप याद रखें कि ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का रिमूवल जो है वो रिडक्शन है, इतना ही काफी है एनसीईआरटी के लेवल पे। लेकिन आगे जाके चूंकि आपको 11th में साइंस वगैरह पढ़ना हो तो थोड़ा सुविधा हो, या आप थोड़ा दूसरों से थोड़ा बेहतर जाने, इसलिए मैंने दो डेफिनेशन और बता दी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये जान लिया। तो अब ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लिखते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या है। तो इसको अगर हम कहें कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसमें से ऑक्सीजन हटा दें तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कैसे हटा देंगे, यहां देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें अगर हाइड्रोजन गैस इस पे रख के गर्म करें, और हाइड्रोजन गैस इसमें गर्म हाइड्रोजन, इसको कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म हाइड्रोजन गैस उस पर प्रवाहित करें, मतलब उस पर उसे पास करें तो क्या मिलेगा। अगर हाइड्रोजन गैस इसमें से हम पास करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड का जो ये है, ये कॉपर ऑक्साइड का ये ऑक्सीजन जो है वो इसमें से रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा ये Cu, ये बन जाएगा Cu और प्लस H2O। तो यहां पर क्या हो गया, इसमें से ये कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो यहां पर इसका क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन, तो एडिशन हुआ तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया। तो
तो इस तरह से ऑक्सीडेशन अगर एक सब्सटेंस का हो रहा है तो किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन भी होगा। यहाँ पे कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया है, ऑक्सीजन हटने को रिडक्शन कहते हैं और ऑक्सीजन ऐड हो जाने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एक का रिडक्शन हुआ तो दूसरे का क्या हो गया, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो गया। इसका रिडक्शन हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं कई बार, मोस्ट ऑफ द केसेस, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ पढ़ते हैं। और टॉपिक का नाम भी रख दिया रिडॉक्स, यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो अब दोनों के डेफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं कि डेफिनेशन समझ लें कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर वर्ड है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सब्सटेंस। सब्सटेंस दैट कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज ऑल्सो, कंपाउंड इज ऑल्सो एक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, सो यू कैन से लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीन डेफिनेशन हो गए, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हो गया तीन। इसी तरह से रिडक्शन का भी डेफिनेशन हो सकता है। और रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए रिडक्शन का डेफिनेशन होगा, रिडक्शन क्या, रिडक्शन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ठीक है, ये तीन चीजें होंगी, एक दो तीन, तीनों में से कोई भी होगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, जिस सब्सटेंस में ये होगा उसको हम कहेंगे कि वो रिड्यूस हो गया, और जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होगा उसको हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसके भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके तो हमने एग्जांपल लिए, इसके भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल तो हमने यही लिया था कि कॉपर ऑक्साइड में हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हाइड्रोजन अगर हम पास कर रहे हैं तो ये बन रहा है कॉपर, अलग हो जा रहा है और H2O अलग हो रहा है ना। तो ये हो गया कि ये इसमें क्या हुआ, रिडक्शन, ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया क्यों, क्योंकि इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है इस प्रोसेस के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो अब देखिए कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो इसके लिए हो गया कि हाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। सोडियम में अगर हम सोडियम में हाइड्रोजन से रिएक्शन करें तो ये बनता है सोडियम हाइड्राइड, NaH, सोडियम हाइड्राइड इसको कहते हैं, सोडियम हाइड्राइड हाइड्राइड, ये है सोडियम और ये है हाइड्रोजन। तो सोडियम में हाइड्रोजन क्या हुआ, ऐड हो गया, तो इसलिए बन गया सोडियम हाइड्राइड। तो यहां भी सोडियम में हाइड्रोजन रिड्यू, इसलिए इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हुआ यहाँ।
इसका रिडक्शन हो गया, सोडियम का रिडक्शन हो गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसलिए ये भी हो गया क्या, रिडक्शन यहाँ भी हो गया, ये कह सकते हैं सोडियम में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। इस क्वेश्चन को बैलेंस लिखने के लिए, चूंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है इधर में एक है, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दो, अब इधर सोडियम भी दो कर देंगे, तो ये हो गया सोडियम हाइड्राइड। तीसरा एग्जाम्पल उसी तरह का हो सकता है कि जैसे हमने जिंक में से वहां पे दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, अगर उस तरह के आयंस में Zn प्लस प्लस यानी प्लस टू में दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, तो ये क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा, जिंक। ठीक है, तो यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। तो ये तीन एग्जाम्पल हो गए, आप कोई भी एक एग्जाम्पल भी लिखेंगे तो बात बन जाएगी, एक डेफिनेशन भी लिखेंगे तो बात बन जाएगी, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा तीनों डेफिनेशन लिखें, ठीक है ना। बट अभी 10th के लेवल पे, 11th में जाके ये तीनों लिखने पड़ते हैं कि तीनों डेफिनेशन एक साथ लिखने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस डेफिनेशन में हमने ये देखा कि किसी किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसी में रिडक्शन हो रहा है। अगर दोनों चीजें एक साथ होने लग जाए, किसी रिएक्शन में दोनों चीजें एक साथ हो, तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टूगेदर बोथ हैपेंस, तो उसको हम कहेंगे क्या कि रिडॉक्स रिएक्शन। तो डेफिनेशन ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर, टेक्स प्लेस टुगेदर, दोनों एक साथ अगर हो तो उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दोनों एक साथ हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो एग्जांपल लेके देखते हैं कि ऐसा कौन सा एग्जांपल होता है। तो CuO प्लस H2, यही रिएक्शन ले रहे हैं बार बार ताकि आपको पता चले, Cu प्लस H2O, ये हो गया। यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक का रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। ये देखिए MnO2 प्लस HCl, ये क्या बनेगा, तो इसमें बनता है क्लोरीन गैस, इसमें से रिलीज होती है और इसमें से वाटर निकलता है और मैग्नीज अलग हो जाए, बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। इसमें आप देखें तो यहां पर क्या होगा कि थोड़ा बैलेंस कर दो इसको, वैसे जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस ही लिखा जाए लेकिन बैलेंस करना चाहिए। इसमें से ऑक्सीजन मैग्नीज में से रिमूव हुआ, रिमूव हुआ, इसमें से आप देखेंगे तो इसमें से क्या हुआ है, इसमें से रिमूव हुआ है मैग्नीज, ये देखिए यहां पे इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन, बोलिए रिडक्शन हुआ। यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन इसमें से क्लोरीन में से, ये देखिए ये ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और क्लोरीन में हाइड्रोजन का, यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन हुआ, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ,
HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ है और मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, इसलिए इस डेफिनेशन को कह सकते हैं यहाँ पर भी ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि एक का क्या हो रहा है, रिमूवल, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन होता तो ऑक्सीडेशन होता, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो ये रिडक्शन हुआ है। इसी तरह से हाइड्रोजन का एडिशन होता तो रिडक्शन होता, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है इसलिए यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, तो दोनों ही चीजें एक साथ हुई है। इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसका रिडक्शन। बिकॉज व्हाई रिडक्शन, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। व्हाई, बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों जगह रिमूवल रिमूवल हो रही है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए दोनों चीजें एक साथ हो रही है, इसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरह से अब तीसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ये कॉपर और आयोडीन का रिएक्शन करें, कॉपर और आयोडीन का रिएक्शन करें तो ये मिलता है कॉपर आयोडाइड, ये मिलता है कॉपर आयोडाइड, कॉपर आयोडाइड, CuI, है ना, टू। तो अब ये कॉपर आयोडाइड हो गया, ये इसमें कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो मेटल है और मेटल क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये कॉपर आयोडाइड, इसको कहेंगे कॉपर आयोडाइड। तो मेटल लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इसकी वैलेंसी टू है, तो ये बेसिकली लूज किया है दो इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, इलेक्ट्रॉन लूज करना को क्या, ठीक है। इसी तरह से आयोडीन का, यहाँ पर आयोडीन जो है इसमें दो इलेक्ट्रॉन ये जो लूज किए गए हैं, ये दो माइनस होते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें एडिशन हो गए, और एडिशन होकर के ये नॉन मेटल जो होता है आयोडीन वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन मिल करके ये बन गया आयोडीन। तो ये पूरा का पूरा एक में एडिशन हो रही है और एक में रिडक्शन हो रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं वहां पे हो रहा है रिडक्शन। तो इस तरीके से आयोडीन के दो, जो आयोडीन के एटम्स हैं दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, और पूरा आयोडीन I2 बन गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे एक में रिडक्शन हुआ, एक में ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसलिए इसको भी रिडॉक्स कहेंगे। तो आपको बेसिक जानकारी ही सीखनी थी कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और रिडॉक्स दोनों जब हो रहा है तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स। एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट क्या करता है, जैसे आपका ट्रेवल एजेंट है वो क्या करता है, आपका ट्रेवल प्लान करता है, ठीक है ना, आपके लिए टिकट लेके देता है, आपके लिए टिकट की व्यवस्था करता है। वैसे ही एजेंट क्या करते हैं, एजेंट वो काम फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो आपका फंक्शन कराने में मदद करते हैं। इनफैक्ट जैसे आपको जर्नी करना है, आपको रेलवे की टिकट चाहिए, तो आपका रेलवे का जो ट्रेवल एजेंट है वो आपको टिकट लेके देता है, तो आपको हेल्प किया टिकट लेने में। तो एजेंट का काम क्या है, हेल्प करना। तो जो ऑक्सीडेशन कराने में जो हेल्प करता है उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है। तो उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराने में कौन हेल्प कर रहा है, तो जो हेल्प कर रहा है उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से जो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो वर्ड हो गए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दोज विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। सो द सब्सटेंस विच विल हेल्प इन ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड द सब्सटेंस विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, द सब्सटेंस विच विल हेल्प इन ऑक्सीडाइजिंग इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग ऑफ अ सब्सटेंस
इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर में ध्यान से देखिए प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अगर हम इसे करते हैं तो ये कॉपर नाइट्रेट बनता है NO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर, ये निकल जाता है, सिल्वर निकल जाएगा, ये कॉपर नाइट्रेट। यहाँ NO3 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 Ag हो गया, तो इधर 2 कर देते हैं। अब इसमें किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कि कॉपर में यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो है इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है बताइए? इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है ना, तो इसलिए इनमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। और ऑक्सीजन का एडिशन अगर ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल क्या होगा? रिडक्शन। तो इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से यहां पे देखिए कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कॉपर में ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि यहां पर हो रहा है, ये जो यहां पे हो रहा है ये हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये हो रहा है ऑक्सीजन का यहां से रिमूवल हो रहा है, तो ये हो रहा है रिडक्शन। तो किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कॉपर में, तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, सब्सटेंस इसमें क्या हो गया? तो इसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया कॉपर। रिड्यूसिंग रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा हो गया? रिड्यूस्ड सब्सटेंस इसमें क्या हो गया? रिड्यूस सब्सटेंस किसमें रिडक्शन हुआ है जी? तो सिल्वर में, सिल्वर में से ऑक्सीजन छोड़ के गया है तो सिल्वर रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? अब बात यह है कि कौन सा रिड्यूस्ड, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है और ये रिड्यूस किया है, इसने इसको रिड्यूस किया, ऑक्सीडाइज किया है ना, इसमें ऑक्सीडाइज करने के लिए हेल्प कौन किया? सिल्वर नाइट्रेट। अगर सिल्वर नाइट्रेट नहीं होता तो कॉपर में ऑक्सीजन नहीं जुड़ता, तो इसमें ऑक्सीडाइज करने में हेल्प किया है सिल्वर नाइट्रेट, इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया इसमें? सिल्वर नाइट्रेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसी तरह से कॉपर में ऑक्सीडेशन हुआ है और इस ऑक्सीडेशन को कराने में ये सिल्वर नाइट्रेट की मदद से हुई है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिल्वर नाइट्रेट में रिडक्शन हुआ है किसकी मदद से? इसमें से सिल्वर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है किसकी वजह से? कॉपर की वजह से। कॉपर अगर नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया? कॉपर। समझ में आ रही बात? एक बार फिर समझ लीजिए, एक ऑक्सीडाइज हुआ तो जिसने ऑक्सीडाइज में हेल्प करी, आपको कोई हेल्प करता है आप उसकी मदद, उसका एहसान मानते हैं नहीं मानते, उसके से ओबलाइज होते हैं ना, तो उसी तरह से ऑक्सीडाइज करने में किसने मदद की? इस कॉपर को ऑक्सीडाइज करने में मदद की सिल्वर नाइट्रेट ने, तो इसलिए ये हो गया क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से सिल्वर को रिड्यूस करने में किसने मदद की? कॉपर ने, तो ये हो गया क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, कि ऑक्सीडाइज जो कराने में मदद करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो रिड्यूस कराने में मदद करे उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। हालांकि इस एग्जाम्पल को इलेक्ट्रॉन थ्योरी से भी समझा सकते हैं, समझाया जा सकता है, लेकिन आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक में एडिशन हो रही है ऑक्सीजन का, एक में रिमूवल हो रही है ऑक्सीजन का, तो जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हुआ, जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है वो रिड्यूस हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक चीज और नई चीज सीख लेते हैं, वो क्या है? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। हालांकि इसकी चर्चा हमने पहले की थी, लेकिन ये भी कहा था साथ में कि इसके एग्जाम्पल्स वगैरह बाद में बताएंगे, तो वो समय आ गया है कि आपको बताया जाए। तो एक होता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन,
एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या बताया था इसका डेफिनेशन याद है आपको? ए केमिकल रिएक्शन इन विच, ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व्स, हीट इवॉल्व्स, ठीक है, हीट रिलीजेज, तो उसको हम कहेंगे केमिकल एक्सोथर्मिक। जैसे मीथेन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो CO2 + H2O मिलता है प्लस हीट मिलता है, ठीक है ना? तो CO2 + H2O + हीट मिलता है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 4 है, बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करने में कोई बुराई नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हाइड्रोजन हो गए, और इधर 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ये है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन्स एक्सेस ऑफ हीट, जहां पे होता है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो दूसरा एक होता है एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो थर्मिक, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ये क्या होता है, ध्यान से समझे। एंडोथर्मिक, अब जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट एब्जॉर्ब होता है, एक केमिकल रिएक्शन। जितने भी हमने केमिकल रिएक्शन पीछे किए हैं वो सब में जिसमें हमने गर्म किया है उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक। तो एक एग्जांपल देता हूं, एक केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, ठीक है ना, एक केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब, तो उसको हम कहेंगे क्या, इंडोथर्मिक। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है इसलिए इसी को दोबारा लेते हैं, हीट ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या बनेगा, CO2, तो यहाँ पे CaO और Ca2 बन जाता है, ये क्विक लाइम कहलाता है, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हम कहेंगे एक इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो जिसमें भी हम हीट करते हैं वो सारा, पीछे जितने भी हमने रिएक्शंस किए हैं जिसमें हमने हीट किया है वो सारा कहलाएगा एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हम बर्निंग करते हैं, कोई भी सब्सटेंस बर्न करते हैं तो उसमें से हीट रिलीज निकल होती है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो भी एक उसमें हीट रिलीज होती है, तो जिसमें भी हीट रिलीज हो वो है एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो वो है एंडोथर्मिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज सीखना था कि हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी एवरीडे जो लाइफ है इसमें इस ऑक्सीडेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो खाना सड़ने का, ऑक्सीडाइज होने का, फूड ऑक्सीडाइज होने का, डाइजेशन भी एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ग्लूकोज में फॉर्म होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और ग्लूकोज फॉर्म होता है, तो ये सब तो आपको पता है। और इसके अलावा और हमारे जो इम्पोर्टेंट एवरीडे लाइफ में जो इवेंट होती है वो क्या है, तो एक होता है कोरोजन, कोरोजन, कोरोजन क्या है, दिस इज ए फेनोमेना इन विच मेटल्स आर रस्टिंग अवे, ईटन अवे ड्यू टू कोरोजन, वो क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस होती है, कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें मेटल ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में और मॉइस्चर जो होता है उसके साथ मिल करके और एक केमिकल रिएक्शन करता है, जिस रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसमें से इरोजन होने लगती है और मेटल जो है वो वीक अपने स्ट्रेंथ में हो जाता है और ऊपर के कुछ लेयर्स जो है वो धीरे धीरे उसमें से निकलने लग जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ईटन अवे। तो एक केमिकल रिएक्शन, इसको आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक केमिकल रिएक्शन
ऑफ मेटल्स विथ मॉइस्चर मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर एयर एज रिजल्ट ऑफ विच मेटल मेटल्स ईटन अवे स्लोली 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 राइट ना स्लोली। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन ये Fe है प्लस जो ऑक्सीजन है प्रेजेंट और वाटर मॉइस्चर वाटर होता है ये सब मिल करके बनाता है Fe2O3 O3 प्लस H2O ये वाटर ऐसे के ऐसे ही रह जाता है। इसके डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वाटर के। अगर एक्स मॉलिक्यूल हम रखते हैं तो यहाँ एक्स मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है इसलिए इसमें अलग कंपाउंड के तौर पे नहीं इसको एक ही चीज कह सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ मिक्स होता है तो इसी को हम कहेंगे मॉइस्चर। ठीक है ना, तो ये मॉइस्चर है हाइड्रेटेड एयर कह सकते हैं इसको हाइड्रेटेड एयर। ठीक है, और यहां जो बन रहा है ये बन रहा है इसमें भी हम ये कहेंगे कि ये नमी इसी तरह का रहता है तो ये प्लस न दे करके आप इसको अलग कंपाउंड नहीं इसी में रहता है तो इसको कहेंगे हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड चाहे आयरन ऑक्साइड ऑक्साइड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये ब्राउनिश कलर का होता है जो एक लेयर होता है आयरन के ऊपर जम जाता है। तो यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन जो है वो दो है और यहाँ ऑक्सीजन तीन है तो इसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो छह हो जाएगा, इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी छह हो जाएगा और आयरन जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे चार तो यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन जो है प्योर आयरन आयरन उसमें हमने हाइड्रेटेड एयर के साथ रिएक्शन करा के इसको कहते हैं कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको कहते हैं इस प्रोसेस को पूरा रस्टिंग ऑफ आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन हमने चर्चा किया था शुरू में ही। अच्छा, इसी तरह का एक और हमने चर्चा किया कि सिल्वर के साथ रिएक्शन करता है और सिल्वर जो है ब्लैकिश कलर का हो जाता है तो उसमें क्या होता है जरा वो भी रिएक्शन करके देखें। सिल्वर जो होता है Ag इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके ये सिल्वर सल्फाइड बनता है और सिल्वर सल्फाइड जो है और हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो जाता है तो ऐसा करने से ये ब्लैकिश हो जाता है सिल्वर ब्लैक हो जाता है ब्लैक कलर का हो जाता है ये हाइड्रोजन सल्फाइड है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, और ये है सिल्वर। तो सिल्वर में जो एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं से सल्फर के कुछ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है और सल्फर का कोई मॉलिक्यूल मिल करके हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है बहुत लगातार पहनने से ऐसा हो जाता है। कोई ऑर्नामेंट्स जो सिल्वर का है वो देखे ही होंगे या तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके और ये बन जाता है ये इसलिए ब्लैकिश कलर का हो जाता है तो ये भी एक टाइप ऑफ कोरोजन ही है। ठीक है ना, इसको फिर एसिड से हम साफ करते हैं एसिड से साफ करते हो तो क्या होता है ऊपर का एक लेयर जो है वो हट जाता है और लेयर हटता है तो धीरे धीरे उसमें से चांदी जो है वो कम होता चला जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये भी होता है। फिर कॉपर में हमने ग्रीनिश होने की बात कही है तो वो क्या है वो भी समझ लेते हैं कि कॉपर में ग्रीन जो होता है वो क्यों होता है तो उस एग्जाम्पल को भी ले लेते हैं और उसको भी देखते हैं कि वो किन वजहों से होता है। क्या होता है कि कॉपर जो है उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर मिलकर के CO2 प्लस मॉइस्चर जो वाटर होता है ये सब मिलकर के कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और यही जो है वो ग्रीन कलर का आपको दिखता है दैट इज द पॉइंट ये है ग्रीन कलर का यही दिखता है ग्रीन कलर।
ठीक है। तो ये चीज जो बनता है वो बनता है कॉपर कार्बोनेट। तो अब इसको भी चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो। इसमें देखिए कार्बोनेट ऑक्सीजन कितना है, इधर 3 और 2 5, इधर ऑक्सीजन है 2 1 3 2 5, 5 ऑक्सीजन भी है। इधर कार्बन है 1, इधर कार्बन है कितने, 1, ठीक है। कॉपर इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर कॉपर 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 है, 2 है, तो बाकी ये बैलेंस हो गया। तो ये कॉपर और ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, सब आपको पता ही है। तो ये बन जाता है ये ग्रीन कलर का, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये दो चीजों को मिला करके बनता है, इसको हम कहते हैं, इसलिए ग्रीनिश कलर का होता है। इस कंपाउंड को कॉपर कार्बोनेट कह सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट, और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो ग्रीन कलर का, इस पे लेयर बन जाता है, ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है, ठीक है ना। ये हो जाता है इसके ऊपर, ये एक रिएक्शन होता है, ये भी कोरोजन का पार्ट है। इसके अलावा एक चीज और होती है, और वो क्या होता है, जो हमने शुरू में कहा था कि जैसे पोटैटो वेफर है, इसको अगर आप देखे होंगे रख दें तो थोड़े दिन बाद वो उसमें से एक स्मेल आने लग जाती है और वो खराब हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन यही पोटैटो वेफर जो आप ले लेके आते हैं मार्केट से, ले चिप्स, ठीक है, तो ये तो कब का पैक किया हुआ रहता है और लंबे समय तक रहता है, आप बड़े प्यार से मजे से उसके फाड़ के खाते हैं। और देखे होंगे कि जब आप ले का कोई पैकेट खरीद के लाते हैं तो पैकेट इतना फूला हुआ रहता है, उसमें चिप्स जो होता है थोड़ा सा होता है, चिप्स उसमें ज्यादा नहीं होते, थोड़े से होते हैं, लेकिन पैकेट इतना फूला हुआ रहता है। ऐसा फूला हुआ पैकेट क्यों बनाते हैं? और ये फूला हुआ पैकेट रखने में भी दिक्कत है दुकान में, ट्रांसपोर्ट करने में भी दिक्कत है, कि जहां पे 50 पैकेट आते हैं वहां पे 10 ही पैकेट आएंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं? उसमें क्या करते हैं कि जब ऐसी कोई चीज बनाते हैं तो उसमें से ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए, और ऑक्सीजन अगर रहेगा तो उसका एडिशन होगा। तो क्या करते हैं कि उस पैकेट में जब उसकी पैकिंग करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, और ऑक्सीजन निकाल के, और तो फिर उसमें हवा कहां से रहेगी, तो सिर्फ नाइट्रोजन भर देते हैं, ऑक्सीजन निकाल के और नाइट्रोजन भर देते हैं, तो उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन स्लो प्रोसेस होती है, बहुत स्लो होता है, तो इसलिए लंबे समय तक 6 6 महीने 8 8 महीने बाद भी अगर वो बिकता है वेफर्स, तो उसको लोग खाते हैं बड़े प्यार से और वो ताजा रहता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं उसमें, उसमें से ऑक्सीजन पैकेट में से निकाल के और नाइट्रोजन भर देते हैं, इसलिए उसमें एयर तो होना चाहिए, और एयर होना चाहिए, जितना ज्यादा नाइट्रोजन रहेगा उतना सेफ रहेगा, तो इसलिए उस पैकेट में आधी चिप्स होती है लगभग, और आधी उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं ऑक्सीजन निकाल के, ताकि वो लंबे समय तक सस्टेन कर सके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी। क्या कहते हैं इसको? रैंसिडिटी। इसको भी मिटाता हूं, और रैंसिडिटी इज द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो होता है वो हम क्या करते हैं, इसमें होता है कि ऑयल और फैट, रैंसिडिटी, रैंसिडिटी इसको कहते हैं, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ फैट एंड ऑयल, ऑयल प्रेजेंट इन ईटेबल आइटम्स, इट गिव्स फाउल स्मेल, फाउल स्मेल आफ्टर सम टाइम, सम डेज, ठीक है ना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी, ठीक है ना। और इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम रैंसिडिटी, इसको एयर टाइट पैकेट में रखते हैं। आप जब खोलते हैं किसी चीज को, अगर ले आकर के चिप्स को मान लीजिए आपने खोल दिया, बड़ा सा चिप्स खरीद लिया, सस्ता मिलता है, लोग बड़ा सा खरीद लेते हैं, तो बड़ा सा खरीद के ले आए, और उसको क्या करें, उसको ले जा करके एक एयर टाइट डब्बे में रख दें, तो फिर वो आप 2 4 5 दिन 10 दिन खा सकते हैं आराम से।
आप बिस्किट लाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट लाते हैं, उसको भी आप देखे होंगे कि वहां पे जो बेकरी में रखा रहता है वो कई कई महीने, 6 6 महीने, 2 2 महीने, 3 3 महीने पुराने होते हैं आइटम्स, और आप खा सकते हैं। जबकि आप घर में बनाए तो वो उतने दिन तक नहीं चलता। चलता है क्या? घर में बनाए तो नहीं चलेगा, उतना दिन नहीं चलेगा। अब बिस्किट जो आप देखते हैं, खरीद के लाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट, ये कितने महीने पहले से बने होते हैं, और उन हालांकि उनकी भी एक एक्सपायरी होती है। उनको लगता है कि अगर बहुत स्लो प्रोसेस भी है तो जन्मजात और लाइफ टाइम लॉन्ग लॉन्ग लाइफ के लिए तो नहीं है, तो उसमें भी एक्सपायरी डेट लिखा जाता है। ब्रेड है, उसमें भी आप एक्सपायरी डेट देखे होंगे, लिखा होता है ब्रेक लेकर ब्रेड लेके आते हैं। इन सब में ऑक्सीडेशन हो जाता है। थोड़े दिन बाद अगर ब्रेड को खुला छोड़ दे तो उसमें भी एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, फंगस उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरीके का हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन की वजह से ही वो भी होता है। तो ये क्या है कि हम उसकी एक एक्सपायरी डेट देखते हैं कि रहता है कि इतने समय बाद ये एक्सपायर कर जाएगा, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें से ऑक्सीजन निकाल करके और उसमें नाइट्रोजन भर के पैक कर देते हैं। जो साधारण होते हैं बेकरी प्रोडक्ट, वो 2 4 5 दिन 10 दिन के बाद ही इस्तेमाल कर लेने चाहिए, नहीं करने पे वो खराब हो जाता है। तो उनकी 2 4 10 दिन, महीना दिन की मैक्सिमम एक्सपायरी होती है, और वो इस हिसाब से रखते हैं। हालांकि प्रॉफिट कमाने वाले लोग उसको महीना महीना दिन तक बेचते हैं, लेकिन जब भी आप कोई ऐसे प्रोडक्ट खरीदें तो उसकी एक्सपायरी जरूर देख लें। ज्यादा एक्सपायर्ड चीजें खाने से भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो इस सबसे बचना चाहिए। तो एक तो नाइट्रोजन निकाल करके उसको ऑक्सीजन निकाल करके नाइट्रोजन भर दिया जाता है, और दूसरा एयर टाइट पैकेट में रखा जाता है, ठीक है ना, ताकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा बाहर से ना पहुंचे, और बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी और इसलिए वो लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरीके के कुछ प्रोसेस है। इसके अलावा देखे होंगे घर में जो खाना बच जाता है तो कहाँ पे रखते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में क्यों रखते हैं? ताकि टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे जो प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है, तो जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इसलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी आप खरीद के लाते हैं, ले जाके लोग फ्रिज में रख देते हैं, ताकि जो लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो होती है और वो ज्यादा दिन तक आपका वेजिटेबल या फ्रूट खराब नहीं होता। खाना बना हुआ भी लोग उसके अंदर रख देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन उसमें स्लो हो जाए। वही ब्रेड आप बाहर रखते हैं तो 2 दिन के बाद खाने लायक नहीं रखता, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 2 4 दिन तक उसको खा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह का जैम वगैरह जो चीज है या इस तरह का चीज है वो फ्रिज में रखते हैं ताकि वो थोड़े लंबे समय तक उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो आप इन सब चीजों को समझ गए हैं, मुझे ख्याल है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो एवरीडे लाइफ में हमारे जो यूजेज हैं और जो इवेंट्स हैं, जो उसके इम्पैक्ट हैं, जो इफेक्ट है, वो सारा आप समझ गए। ये चैप्टर खत्म होता है। अगले दिन से हम इसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उस पे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और जब खत्म हो जाएगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो होपफुली आप अभी तक जितना जो कुछ भी सीखे हैं वो अच्छे से सीख गए होंगे, और उसको खूब बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, और जो भी कोई और दिक्कत हो तो आप ले जरूर पूछिए, है ना, पूछेंगे ना, ठीक है, ओके, थैंक यू।